السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير مولانا <العظيم> رسوله النبي <الامین> الكريم ونحن على ذلك रसूल्नबीमिनकरीम الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार दार, दार, मदनी ताजदार रुदा जनाब अहमद मुझ मुस्तफा सल्लल्लाहु मुस्तफ़ा अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में हद दरूद नछावर करें

जो ज किए जाते हैं और जो आयतें वो पेश करते हैं, उनकी जानिब से पेश करदा एक आयत और उसका जवाब जिक्र किया गया आज भी उसी तरह चंद आयात करीमा और फिर उस आयत का मफहूम माना और मुनकन मुखालफी का जवाब इनशा जिक्र होगा अल्लाह तबार को ताला इरशाद फरमाता है वलौ पुन तुआम इसका तर्जमा यह है कि और अगर मैं गैब जान लिया करता तो यू होता कि मैंने बहुत भलाई जमा कर ली इस आयत के भी मुफसरीन ने, ने तीन मतलब बताए हैं एक ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कलाम बतौर इंकसार है इंकसारी के तौर पर है कि अगर मैं गैब जानता तो यूं होता कि मैं बहुत खैर बहुत भलाई मैंने जमा कर ली और दूसरे मुफसरीन ने ये जिक्र earth... किया है मतलब बताया, मतलब बताया है, है। कि इस इस इसमें तमाम इलाहिया जानने की नफी करना मकसूद है कि तमाम तमा मालूमत इलाहिया मैं नहीं जानता अगर मैं जानता तो मैं बहुत खैर खैर कसीर और बहुत ज़्यादा खैर मैं जमा कर लेता तीसरे ये कि यहाँ पर जाती इल्म की नफी है वही जो इससे कबल वाली आयत का जो जवाब था तो मुफसरन यहाँ पर, पर, पर भी तीन मतलब इस आयत, आयत करीमा का, का बताते, बताते जैसा कि नसीम र्याज र्याज में इसी आयत के, के मातहत है मात शिफा शरीफ में शर शफ़ा में नसीम में इसी आयत के मातहत है फरमाते हैं कि इल्म गैब का मानना इस आयत के मुनाफी नहीं है यानी इल्म गैब अगर हम हुजूर के लिए मान रहे हैं तो इस तो आयत के आयत वो मुनाफी नहीं है अपोजिट नहीं है से नहीं है कि वलऊ कुंतु गैब यानी अगर मैं गैब जान लेता वलऊ कुंतु गैब फरमाते हैं क्योंकि नफी नफी वास्ता की है यानी यहाँ पर जो नफ़ी है वो उस इल्म की है जो के बगैर वास्ते के हो लेकिन हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गाइब पर मुत्तला होना ये तो अल्लाह के बताने से है और ये امر वाकए है रब तबाराक व तआला ने उसके फरमान की वजह से कि खुद रब तबाराक व तआला इरशाद फरमाता है फला युजहिरु अला गाइबिही अहदा इल्ला मन इरतावा मिर रसूल कि वो अपने गैब पर किसी को मुतला नहीं फरमाता इल्ला मनिर तदा मर रसूल मगर अपने रसूल में से जिसे चुन ले जिसे इख्तियार फरमा ले जिसे चुन ले तो उन्हें गैब का इल्म आता फरमाता है तो इस आयत करीमा से पता चला कि अल्लाह तबारक व ताला अपने बरगुजीदा बंदो अपने रसूलों को गैब आता फरमाता है तो अब ये जो आयत यहां पर जिक्र हो रही है कि जिसमें हुजूर फरमाते हैं कि अगर मैं ग़ैब जानता तो ये इल्म की नफी नहीं है इल्म गैब की नफी नहीं है कि मैं गैब जानता ही नहीं बल्कि यहाँ पर मुराद ये है कि मैं खुद से बिल बगैर वास्ते के मुझे इल्म नहीं है बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की अता से है और या तो यहाँ पर कुल मालूमत इलाहिया की नफ़ी है यानी तमाम जो अल्लाह का इल्म है वो तमाम मालूम वो पूरा का पूरा तमाम इल्म हुजूर को हासिल हो तो इसकी भी नफ़ी है जैसे कि शर मफ़ में मीर सैद शरीफ़ फरमाते हैं कि तमाम ग़ैबों पर मुतला होना ये नबी के लिए ज़रूरी नहीं तमाम ग़ैबों पर मुतला होना यानी उसकी इतला हो जाना तमाम ग़ैब का हासिल हो जाना ये नबी के लिए ज़रूरी नहीं इसीलिए हुजूर हजूर आल वसलाम ने फरमाया वलऊ कुंतू गैब, अल गैब से मुराद यानी तमाम ग़ैब यानी तमाम ग़ैब जो है वो गैर मुतनाही हैं गैर मतनाही का मतलब यानी जिनकी कोई हद ही ना हो तो ये जो तमाम ग़ैब हैं ये गैर मुतल हैं। तो हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो नफी फरमाई है वो तमाम इल्म गैब की है तमाम ग़ैबिया की नफी फरमाई है हाँ अल्लाह तबारक व ताली के गैबिया में से बाज़ तो ख़ुद अल्लाह तबारक व ताली अपने बरगुजीदा रसूलों को आता फरमा देता है या फिर ये कलाम जो है वो इनकसार के तौर पर है आजिज़ी के तौर पर है हुजूर ने यह फरमाया तो ये इंकसार और आजिज़ी के तौर पर फरमाया जैसा कि सावी हाशिया जलालैन में है जलालैन शरीफ के हाशिए में है यही आयत इसी आयत के तहत है कि अगर तुम कहो कि यह आयत गुजिश्ता कलाम के ख़िलाफ़ है कि हुजूर को तमाम दीनी और दुनियावी गैब पर मुतला कर दिया गया तो फिर यह आयत जो है वो तो उसके खिलाफ नजर आ रही है हालांकि आयत करीमा में इतलाफ नहीं हो सकता तो अब अगर ये मानो तो फिर यह आयत जो है वो गुज्त कलाम के खिलाफ नजर आ रही है तो जवाब ये है कि ये कलाम यानी जो हुजूर ने फरमाया कि लाआलम ग़ैब मैं गैब नहीं जानता तो फरमाते हैं ये बतौर इंकसार फरमाया इंकसारी के तौर पर फरमाया आजिज़ी के तौर पर फरमाया तो तफसर खाजिन में जुमल हाशिया जलालेन से इसी आयत के मातहत नकल किया कि बस अगर तुम कहो कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत से ग़ैबों की खबर दी है और उसके मुतालिक बहुत सी अहादीसें सहीहा वारिद हैं यानी अगर इस आयत करीमा में ऐसा समझ में आ रहा है कि हुजूर को ग़ैब नहीं है हालांकि कोई एतराज़ ये करे कि जो है हुजूर हजूर अलैहि वसल्लम ने तो बहुत सी ग़ैबों की ख़बर भी दी है सही अहादीश करीमा से जो है इसके मुतालिक बहुत सी सही अहादीस करीमा वारिदें और इैब तो हजूर का बड़ा मोजा है तो इन बातों में और इस आयत में कि आलमुल गैब अगर मैं गैब जानता तो ये मुताबिकत किस तरीके से होगी कैसे होगी कि हुजूर गैब जानते हैं तभी तो हुजूर ने बताया और यहां पर हुजूर कि अगर मैं गैब जानता तो इससे अगर आप ये समझ रहे हैं कि हुजूर फरमाना चाह रहे हैं कि मैं गैब नहीं जानता तो फिर उस हदीस और इस आयत में कैसे मुताबिकत होगी माना मुताबिक कैसे होगा किस तरह मुताबिकत होगी तो मैं कहूंगा जवाब दे रहे हैं अब कि मैं कहूंगा कि यहाँ एहतमाल ये है यानी हो सकता है कि यह कलाम इनकसार के तरीक़े पर फरमाया हो और उसके माना ये हैं कि मैं ग़ैब नहीं जानता बगैर ख़ुदा के बताए और यह भी एहतमाल है कि यह कलाम ग़ैब पर मुतला होने से पहले का हो ये भी हो सकता है यानी उस वक्त तक हुजूर गैब पर मुतला ना हुए उससे पहले का हु। मुतला तबारक ने हुजूर को गैब पर मुतला फरमा दिया तो हुजूर ने खबरें भी दे दी और ये उससे पहले की बात हो सकती है ऐसे ही सलेमान जुमल ने फतुहात इलाशिया जलाल जिल नंबर दो सफा नंबर दो सौ अट्ठावन में इसी के मिसल फरमाया तो इस आयत में इस पर दलालत है कि गैब बिल इस्तिकलाल, गैब बिल इस्तिकलाल, यानी जती खुदा के सिवा कोई नहीं जानता जति इल्म जो है इल्म बिल इस्तिकलाल का मतलब होता है जति इल्म या अल्लाह तबारक के अलावा कोई नहीं जानता तो हो सकता है इससे मुराद ये हो कि यहल मुराद हो ना कि इल्म, वरना अल्लाह की आता से तो अल्लाह तबारक तआला जिसे चाहे उसे आता फरमा दे ऐसे ही तफसीर सावी यही आयत है वहां पर भी उसी आयत के तहत यह तफसीर है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला ताल अली वसल्लम का इल्मैब जानना ना जानने की तरह है इल्म गैब जानना ना जानने की तरह है क्योंकि आपको उस चीज के बदलने पर कुदरत नहीं क्योंकि आपको उस चीज के बदलने पर कुदरत नहीं जो अल्लाह ताला ने मुकद्दर फरमा दी जो अल्लाह तबारक ताला ने एक चीज मुकद्दर फरमा दी तकदीर जिसे कजा कहा जाता है तो अब जो कजा है कजाय मुबरम जिसे कहते हैं अल्लाह तबारक ताला ने मुकद्दर फरमा दिया है तो अब उसका इल्म तो हुजूर को है कि ऐसा 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 होगा लेकिन जो कजाए मुबरम होती है उसको बदलने पर कुदरत किसी को नहीं होती अल्लाह के सिवा कोई उसे नहीं बदल सकता कोई भी नहीं बदल सकता जो कजाय मुबरम होती है तो उसको कोई भी नहीं बदल सकता तो अब यहां पर यह मुराद है कि इलम गैब हुजूर जानते तो हैं लेकिन उस पे उसको बदलने पर जब कुदरत हासिल नहीं है तो ये जानना ना जानने के बराबर हुआ यह जानना ना जानने के बराबर हुआ क्योंकि जो अल्लाह तबारक ताली ने मुकद्दर फरमा दिया है तो उस चीज़ के बदलने पर कुदरत नहीं तो माना ये हुए कि अगर मुझको मुझकोल्म हक़ीकी होता इस तरह के मैं अपनी मुराद के वाके करने पर कादिर होता तो खैर बहुत सी जमा कर लेता लस्त अखसर तो मिनल ख़ैर इस आयत में है ना कि अगर मैं गैब जानता तो यूं होता कि मैं बहुत खैर जमा कर लेता तो यहाँ पे माना यह है कि मैं गैब तो जानता हूँ लेकिन ये ना जानने के बराबर है क्योंकि मुझे उसके बदलने पर कुदरत नहीं है क्योंकि अगर मैं कुदरत हो अगर मुझे कुदरत होती बदलने पर तब फिर बहुत सा मेरे लिए खैर होता ये मुराद हो सकती है तो ये तोजी नहायत ही नफीस है क्योंकि आयत के माना ये हैं कि अगर मैं गैब जानता होता तो बहुत सी खैर जमा कर लेता मुझको तकलीफ़ ना पहुँचती और सिर्फ किसी चीज़ का जानना ये खैर जमा करने और मुसीबत से बचने के लिए काफ़ी नहीं होता है भाई किसी चीज़ का सिर्फ इल्म हो जाना जानना तो ये मुसीबत से बचने के लिए काफ़ी नहीं होता है तो वही यहाँ पर फरमाते हैं कि जब तक के खैर के हासिल करने और मुसीबत से बचने पर कुदरत ना हो तो मुझको इल्म है कि बुढ़ापा आएगा और उससे मुझको ये तकलीफ़ें पहुँचेंगी मगर मुझे बढ़ा बुढ़ापे के दफ़ा करने पर क़ुदरत नहीं है मुझको ये मालूम है कि मुझको बुढ़ापा आएगा ज़यीफ़ी आएगी कमज़ोरी आएगी लेकिन मुझको इसे दफ़ा करने पर कुदरत नहीं है क्योंकि ये, ये कज़ा है और यह कज़ाए मुबरम हकीकी है यानी अल्लाह तबारक तआला ने मुकद्दर फरमा दिया है और ये ऐसी कज़ा है कि जिसको कोई बदल नहीं सकता इस पर किसी को कुदरत नहीं है तो वही फरमाते हैं कि इससे मुझको ये तकालीब पहुँचेंगी मगर मुझे बुढ़ापे के दफा करने पर कुदरत नहीं मुझे आज खबर है कि गल्ला चंद रोज के बाद जो है वो गिरा हो जाएगा यानी महंगा हो जाएगा मगर मेरे पास आज रुपया नहीं कि बहुत सा गल्ला खरीद लूँ खरीद नहीं सकता मालूम हुआ कि खैर हासिल करना यानी जैसे कि किसी को मालूम है कि अभी लॉकडाउन आने वाला है मिसाल के तौर पे अभी खबर मिल गई कि भाई एक हफ्ते के बाद फिर से लॉकडाउन लगने वाला है तो अब जो है वो बहुत सारी चीज़ें जमा कर लो रख लो लेकिन हमारे पास पैसा ही नहीं है ल होना ये किसी के लिए जो है वो नफा बख्श नहीं हो सकता जब तक के उस पर कुदरत भी ना हो उस चीज के करने पर कुदरत भी ना हो तो वही यहां पर बता रहे हैं कि मालूम हुआ कि खैर हासिल करना मुसीबत से बचना इल्म और कुदरत दोनों पर मौकूफ है सिर्फ इल्म पर नहीं बल्कि इल्म और कुदरत दोनों पर मौकूफ है और यहां बात चल रही है इल्म गैब की सिर्फ इल्म की बात चल रही है और, और इल्म और कुदरत दोनों पर मौकूफ़ है खैर हासिल करना और यहां कुदरत का जिक्र नहीं है यहां कुरान पाक में कुदरत का जिक्र नहीं तो इम गैब से वो मुराद है यहां पर वो इल्म गैब मुराद है जो कुदरत के साथ हो यानी इल्म जाती जो कुदरत के साथ हो यानी जाती जो लाजिम उलूहियत है यानी जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक अल्लाह तबारक व तौ के साथ ही खास है जिसके साथ कुदरत भी लाजिम है वरना के आ, वरना आयत के माना दुरुस्ती नहीं होते क्योंकि मुकदम और ताली में लुजूम नहीं रहता और उसके बगैर कयास दुरुस्त नहीं होता है नीज़ देवबंदी तो इस आयत के ये माना करते हैं कि अगर मैं गैब जानता तो बहुत खैर जमा कर लेता और मुझे मुसीबत कोई मुसीबत नहीं पहुँचती मगर चूँकि ना मेरे पास खैर है और ना मुसीबत से बचाव है लिहाजा मैं ग़ैब नहीं जानता वो ये इसकी तफसीर करते हैं ये तर्जमा करते हैं हम ये तर्जमा कर सकते हैं कि गौर कर लो अगर मेरे पास खैर हो और मैं मुसीबत से बचूँ तो समझ लो कि मुझे इल्म ग़ैब भी है अगर मैं मुसीबत से बचूं तो समझ लो कि मुझे गैब भी है मेरे पास बहुत खैर तो है मेरे पास बहुत खैर तो है जैसे कि पाक में हिक्मत कसीरा के जिसे हिकमत अता की गई तो उसे खैर कसीर अता किया गया तो क्या हुजूर को हिकमत अता नहीं की गई तो यहां पर खैर तो है ऐसे ही किताब तबारक ने उन्हें किताब और हिक्मत की तालीम दी इल्म सिखाया तो सिखाने वाला अल्लाह तबारक वाला है तो हजूर के इल्म की नफी कैसे हो सकती है तो यहां हजूर के पास यानी यहां पर मुराद ये है इसका तर्जमा ये किया जाएगा कि मेरे पास खैर तो है और मैं मुसीबत से भी महफूज रब तबारक वाल ने फरमाया वल्लाहु नास वल्लाहु आसिम कामिननायासिम नास और अल्लाह महबूब अल्लाह तुम्हें लोगों से महफूज फरमाएगा लोगों से महफूज रखेगा इसीलिए तो लोगों ने कत्ल करने की साजिशें की इरादा किया लेकिन कत्ल नहीं कर सके क्यों, क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक ताली हिफाजत फरमाना तो अल्लाह यासे मुकाबास लिहाजा माना यह हुआ कि मुझे गैब भी है मुझे इल्म गैब भी है और ये आयत तो इम गैब के सबूत में है ना के इनकार में इम गैब के सबूत में है ना के इनकार में रूहुल बयान में यही आयत इसी आयत के तहत ये जिक्र हुआ के बाद मशाइख इस तरफ गए हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अक्रम अलैहि वसल्लम कयामत का वक्त भी जानते थे अल्लाह तबारक ताला के बताए से अल्लाह की आता से अल्लाह के बताने से कयामत का वक्त भी जानते थे और उनका ये कलाम इस आयत के हसर के खिलाफ नहीं जैसा कि मख् नहीं है ऐसे ही एक आयत और लोग जो है एतराज में पेश करते हैं कि अल्लाह तबारक वाली ने इर्शाद फरमाया वह मफातब ला आलम और उसी के पास यानी अल्लाह तबारक वाल के पास हैं कुंजियां ग़ैब की और उनको वही जानता है यानी ग़ैब को वही जानता है तो मुफसरीन ने फरमाया कि मफ़ात गईब यानी गैब की कुंजियाँ तो यहां पर इससे मुराद या तो गैब के खजाने हैं यानी सारे मालूमते इलाहिया का जानना, जानना। यानी अल्लाह तबारक का जितना इल्म है गैर मुतनाही है उसकी कोई हद नहीं है उन तमाम गैर मुतनाही अल्लाह के इल्म का जानना या इससे मुराद है गैब को हाजिर करना या तो इससे मुराद क्या है गैब को हाजिर करना यानी जो चीज पोशीदा है गैब का मतलब पोशीदा तो गैब को हाजिर करना यानी जो चीज पैदा नहीं हुई है अभी गायब है उसको पैदा करना तो ये अल्लाह का काम है कि वो गैब को जाहिर फरमाता है जाहिर को गैब फरमाता है यानी जो पोशीदा है जो अभी तक इस दुनिया में नहीं आए उनको पैदा भी फरमाता है जो पैदा हो चुके उनको मौत भी अता फरमाता है तो ये मुराद हो सकता है तो वही फरमाते हैं या तो इससे मुराद है गैब को हाजिर करने यानी चीजों के पैदा करने पर कादिर होना क्योंकि कुंजी का काम यही होता है कि उससे कुफल खोला यानी ताला खोला चाबी का काम क्या होता है कि उससे ताला खोला कुफल खोला और अंदर की चीज बाहर बाहर की चीज अंदर तो इसी तरीके से हाज़िर को गायब और ग़ायब को हाजिर करना यानी पैदा करने और मौत देने की क़ुदरत परवर परवरदिगार ही को है ये मुराद है ग़ैब से ये मतलब है तफसर कबीर में इसी आयत के मातहत है कि जबकि परवरदिगार तमाम मालूम का जानने वाला है तो इस मतलब को इस इबारत से बयान किया और दूसरी सूरत पे मुराद इससे सारे मुमकिनात पर कादिर होना है यानी तमाम जो चीज़ भी हो सकती हैं उन तमाम पर कादिर होना इसीलिए तफसीर रूहल बयान में इसी आयत के मातहत है कि इन चीज़ों के नक्श बांधने का कलम जो ऐसी कुंजी है जिससे इन चीज़ों के पैदाइश का दरवाज़ा खोला जाता है यानी यहाँ पर पैदाइश मुराद है इंदहू मफातिबैब की कुंजियाँ अल्लाह ही के पास है तो यहाँ पर क्या मतलब यानी पैदाइश का दरवाज़ा खोला जाता है पैदाइश का दरवाज़ा खोला जाता है इनकी मुनासिब सूरतों पर वही मलकूत है बस हर चीज़ के मलकूत के कलम से हर चीज़ की हस्ती होती है और मलकूत का कलम अल्लाह के हाथ में है इसलिए कि गैब से मुराद पैदा करने का जानना है यहाँ पर गैब से मुराद पैदा करना है पैदा करने का जानना तफसीर खाजिन में इसी आयत के मातहत है कि क्योंकि रब तबारक तआला जब तमाम मालूम का जानने वाला है तो इस माने को इस इबारत से बयान किया और दूसरी तफसीर पर इसके माना ये होंगे कि अल्लाह के नज़दीक ग़ैब के ख़जाने हैं और इससे मुराद है हर मुमकिन चीज़ पर कुदरत कामिला यानी पूरी पूरी कुदरत ये अल्लाह ही को है या इससे मुराद है कि ग़ैब की कुंजियाँ बगैर तालीम इलाही कोई नहीं जानता या ये मुराद हो सकता है कि गैब की कुंजियों को अल्लाह ही जानता है और अल्लाह के बताए बगैर और कोई नहीं जानता यानी मतलब ये हुआ कि अगर अल्लाह तबारक व ताला बता दे तो वो जान लेगा दूसरा भी कुछ अल्लाह के बंदे भी जान लेंगे जैसा कि तफसर आरयसल बयान में है कि हरीरी ने फरमाया है कि इन कुंजियों को सिवाय अल्लाह ताला के और सिवाय उन महबूबों के जिनको अल्लाह ख़बरदार करे कोई नहीं जानता यानी उनके अगले पिछले अल्लाह के जाहिर फरमाने से पहले नहीं जानते ऐसे ही इनायतुल काजी में इसी आयत के तहत है इन गैब की कुंजियों के खुदा ताला के साथ ख़ास होने की वजह ये है कि जैसी वह हैं उस तरह इब्तदा खुदा के सिवा कोई नहीं जानता यानी शुरू से शुरू से इब्तदा ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता इस आयत के अगर वो मतलब ना बयान किया जाए किए जाए जो हमने बताए तो ये मुखालिफिन के भी खिलाफ है क्योंकि बाज गैब तो वो भी मानते हैं और इसमें इल्म गैब की बिल्कुल नफी है तो यहाँ पे तीन आयत करीमा आयात करीमा पेश की गई अब यहाँ पर एक नुकता है कि बाज साहिबों ने फरमाते हैं हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी आल रहा फ़रमाते हैं कि बाज़ साहिबों ने मुझसे फ़रमाया कि आला हजरत हज़रतुदसा सेहू ने इस जगह एक नुक्ता लिखा है वो ये कि इस आयत में है इंदू मफातब और दूसरी में है यानी दूसरी आयत में है लहू मकाली वाल अर्द और मफाती, मफाती और मकालीद, मकालीद दोनों, दोनों के माना है कुंजिया इंदहू मफातिहुल गैब यानी अल्लाह के पास गैब की कुंजिया है और एक दूसरी आयत है जिसमें है लहु मकालीदावाती जमीन और आसमान की कुंजिया उसी के लिए है और अगर मफाती का अवल और आखिर हर्फ मफाति मफाती के शुरू में क्या है पहला हर्फ, पहला हर्फ मीम मफातिह में मफातिह तो इसमें पहला हर्फ है मीम और आखिरी हर्फ क्या है हा मफातिह की पहले हर्फ और आखिरी हर्फ को लिया जाए यानी मीम, मीम और हा को लिया जाए, जाए। और, और फरमाते हैं है, कि मफाती के अव्वल और आखिर हर्फ यानी मीम और हालो और मकालीद का अवल व आखिर यानी मकालीद शुरू में कौन सा हर्फ है मीम और आखिर में क्या है दाल तो मफाति के शुरू और आखिर का हर्फ लो यानी मीम और हा और मकालीद के भी शुरू और आखिर का हर्फ लो तो मीम और दाल लो तो बनता है मोहम्मद

जाते बारकत ही ये आलम के जहूर की कुंजी है आलम को जाहिर करने की कुंजी है कि वो जो न थे तो कुछ न था वो जो न हो तो कुछ न हो जान है वो जहान की जान है तो जहान है ला इल्लाहु कि उसको नहीं जानता मगर वही तो इसमें इस तरफ इशारा है कि हुजूर जैसे हैं वैसा कोई नहीं जानता हुजूर जैसे हैं वैसा, वैसा कोई वैसा नहीं जानता था। हकीकत हकीकत मुहम्मदिया को रब ही जाने यानी यहां पर ला या इल्लाहु कि जो है वो इसका मतलब और मफहूम ये होगा कि हुजूर जैसे हैं वैसा कोई नहीं जानता यहाँ पर यह मतलब नहीं है कि इन मफातिहुल ग़ैब यानी गैब की कुंजियां अल्लाह ही के पास है और इनको अल्लाह ही जानता है अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता तो आला हजरत फरमाते हैं कि मफाती और मकालीद इनके शुरू और आखिर के हर्फ को लो तो मोहम्मद बनता है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो यहाँ पर माना होगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात जाते बरकत यही आलम के जहूर की कुंजी है और, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही जानता है अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता इसी तरफ इशारा है कि हुजूर जैसे हैं वैसा कोई नहीं जानता हकीकत मोहम्मदिया को रब ही जाने मफातिह जमा मफात ये जमा है मिफ्ताह का मतलब होता है चाबी कुंजी उसकी तो मفاتح, जमा आती है मफाते कुंजिया चाबिया तो मफाते जमा इसलिए बोला कि आपकी हर अदा इलाही की कुंजी है अल्लाह की रहमत की कुंजी है आपका नूर आलम की कुंजी आपका नूर आलम की कुंजी कुल्लुल खलकी नूरी के खुद हुजूर ने फरमाया कि तमाम मखलूक मेरे ही नूर से क्यामत में आपका सजदा क्यामत में आपका सजदा ये शफात की कुंजी देखो अलग अलग कुंजियां कयामत में आपका सजदा शफात की कुंजी जन्नत में आपका नाम ये हर नेमत की कुंजी और जन्नत में आपका जाना सबके लिए जन्नत के खुलने की कुंजी देखो ये फरमाते हैं कि हमारी किताब हबीबुर रहमान की के इस में तफसील के साथ इसका मुताला करें कि इसमें है और एक नुक्ता यहाँ पर यह भी है कि इस आयत से मालूम हुआ कि रब तबारक ताला के पास गैब की कुंजियाँ हैं अब यह सवाल है कि इस कुंजी से किसी के लिए दरवाज़े गैब खोला भी गया या नहीं कुंजी का लफ्ज आया ना तो कुंजी किसके लिए होती है ताले के लिए और ताला कहाँ लगता है दरवाजे पर अब दरवाजे के अंदर जो चीज़ होती है तो जब उस पर ताले और कुंजी की बात की गई तो इसका मतलब यह है कि ये कुंजी किसी के लिए यह दरवाज़ा किसी के लिए खोला भी जा सकता है ना तभी तो इस बात का जिक्र हुआ तो सवाल यह है उस कुंजी से किसी के लिए दरवाजे गैब खोला भी गया या नहीं या किसी को कोई कुंजी दी गई या नहीं तो इसका जवाब कुरान और हदीस से पूछो तो कुरान फरमाता है इन्ना फतहना लका हमने आपके लिए जाहिर तौर पर खोल दिया क्या खोल दिया इसकी नफीस तौजी है हमारी किताब शान हबीबुर रहमान भी आयातुल कुरान में देखो और कुफल यानी ताला और कुंजी वही चीज रखी जाती है ताले और कुंजी में वही चीज रखी जाती है जो खोलकर निकालनी हो जिसको रखना रहता है और उसको खोलकर निकालना हो तो ताले और कुंजी में वही चीज रखी जाती है जो खोलकर निकालनी हो और जिसे खोलकर निकालना ना हो तो वो तो जमीन में दफन कर दिया जाता है ना उसको तो फना कर दिया जाता है उसको तो ज़मीन में दफन कर दिया जाता है खजाने को बचा कर रखा जाता है यानी जिसको खोल कर निकालना हो उसी को ताले और चाबी में रखा जाता है और जिसे खोल कर निकालना ना हो वो जमीन में दफन कर दी जाती है पता लगा कि गैब देना था ग़ैब अता फरमाना था अल्लाह तबारक वाली को इसी कुंजी में रखा इसीलिए ताले में रखा क्योंकि अल्लाह को अपने हबीब को गैब अता फरमाना था इसलिए कुंजी में रखा हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उतीतु मफातीहा अर्द मुझको जमीन के खजानों की कुंजी अता कर दी सुभान सुबह तो इससे मालूम हुआ कि हुजूर को कुंजी भी दी गई और आपके लिए फतेह बाब भी हुआ यानी आपके लिए दरवाजा भी खुल गया हुजूर को कुंजी भी अता की गई और हुजूर के लिए दरवाज़ा भी खुल गया तो इस आयत की ये नफीस तोजी है मैंने बयान कर दी अब इन और बकिया आयात करीमा आइंदा मैं बयान करूँगा अल्लाह तबारक हम तमाम लोगों के अकीद और ईमान की हिफाजत फरमाए वाखिर दावाना रबीआलमिनल